फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और खुशी स्टार फूड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटे और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। आपने ये नाश्ता एक बार बनाकर खा लिया ना, तो बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। कम ऑयल से बनाया गया ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता घर में सभी को बेहद ही पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में आधा कप सूजी डालें और आधा कप बेसन। सूजी आप बारीक वाली या मोटी वाली कैसे भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक डालकर मिलाएं। अब आधा कप दही डालेंगे। जिस कप से नापकर मैंने सूजी और बेसन लिया है, उसी कप से दही डाला है और दही मैंने थोड़ा खट्टा लिया है। दही को भी मिलाएंगे अच्छे से। ये बैटर जैसे हम इडली का बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। आधा कप पानी डालकर ये बैटर बना लेंगे और ज़रूरत के अनुसार आप पानी डालें। ये देखिए बैटर बना लिया है, कोई लम्स नहीं है। अभी हम इसको ढककर रखेंगे 10-15 मिनट तक, सूजी अच्छे से फूल जाएगी। और ये लीजिए, बैटर को रखे हुए मुझे लगभग 15 मिनट हो गई है, सूजी अच्छे से फूल गई। देखिए अच्छे कलर के लिए आप इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिला लें। एक मैंने इनो का सेसे लिया है, तो इसमें से हम आधा डालेंगे। आधा चम्मच पूरा नहीं डालना, क्योंकि बैटर हमारा कम है तो आधा काफ़ी है। ये आधा चम्मच इनो डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा पानी डालेंगे, जल्दी एक्टिव हो जाएगा। अब हल्के हाथ से अच्छे से मिलाएंगे एक ही डायरेक्शन में। ये हमारा बैटर तैयार है। और आइए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा गर्म हो गया है। तवे पर अच्छे से ऑयल लगाएंगे, ऐसे ब्रश से ऑयल लगा दें। अब बैटर के आधा आधा चम्मच हम लेंगे और ऐसे तवे पर छोटी छोटी टिकिया बनाकर रखते जाएंगे। आप बड़े तवे पर बना रहे हैं तो एक बार में 10 से 12 ये बन जाती है। और ये देखिए पूरे तवे पर मैंने ये छोटी छोटी टिकिया बना दी है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें और इनको सिकने दें, ऊपर से भी थोड़ा ऑयल लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपने सूजी बेसन का नाश्ता कई बार बनाकर खाया होगा अलग अलग तरह से, लेकिन इस तरह का नाश्ता शायद आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना इतना आसान है। टिकिया ऊपर से ड्राई सी हो गई, नीचे से भी अच्छे से सिक गई है। इनको पलट लेंगे और उलटते पलटते इनको दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे। कितना अच्छा इनका कलर आया है, देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे सिक गई। इनको निकाल लेंगे अलग प्लेट में और ऐसे ही बचे हुए बैटर से भी हम ये छोटी छोटी टिकिया बना लेंगे। सुबह की भागा दौड़ में आप झटपट से ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हल्का फुल्का नाश्ता आप बच्चों के टिफिन में पैक करके दें, बच्चों को बेहद ही पसंद आएगा। ये देखिए ये टिकिया भी ऊपर से ड्राई होगी, इनको पलट लेंगे। इनको सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सारी टिकिया हमारे अच्छे से सिक गई है, देखिए इनको निकाल लेंगे। एक तो आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं हरे धनिया की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ, या फिर आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये हमारी सारी टिकिया बनकर तैयार है, सॉफ्ट स्पंजी। आइए अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। इनको फ्राई करने के लिए वापस से मैंने पैन गरम कर लिया। 2-3 छोटे चम्मच ऑयल गरम करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ऑयल के गरम होते ही आधा छोटा चम्मच राई डालें, राई को चटकने दें अच्छे से। 10-12 कड़ी पत्ते डाल लेंगे ऐसे काट कर। आप लहसुन खाते हैं तो 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ज़रूर डालें, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। कुछ सेकंड के लिए इनको भून लेंगे। 2 हरी मिर्च और 1 प्याज डाल लेंगे बारीक कटी हुई। हरी मिर्च मैंने कम तीखी वाली ली है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और प्याज को हल्का सा सुनहरी होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी भुन गई है। अब हम डालेंगे 2 टमाटर और 1 शिमला मिर्च बारीक कटे हुए। शिमला मिर्च के मैंने बीज निकाल दी है, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें, मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है। मिलाएंगे अच्छे से और 2-3 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। ढक देते हैं या हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए टमाटर शिमला मिर्च हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा पानी डालें, मसाले अच्छे से पकेंगे, जलेंगे नहीं। आप बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, इसकी बजाय काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम पाव भाजी मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास पाव भाजी मसाला है तो ज़रूर डालिएगा, इससे नाश्ते में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 2-3 मिनट तक मसालों को और भून लेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, तेल भी दिखाई देने लगा है। जैसे ही मसाले अच्छे से भून जाएं तो आप डालें
तीन चम्मच टमाटो सॉस। टमाटो सॉस की बजाय आप पिज्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल लिया है और एक दो मिनट तक हम इनको और पका लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं देखिए। अब हम इसमें बनी हुई टिकिया डालेंगे और मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे, मिलाएंगे। इन सारे मसालों की कोटिंग इनके ऊपर अच्छे से आ जाएगी। देखिए सारे मसाले और टिकिया अच्छे से मिल गई है। अब हम हरा धनिया डाल लेंगे बारीक कटा हुआ और दो मिनट तक इनको और पका लेंगे। ढक देते हैं। इन सारे मसालों का फ्लेवर इनके अंदर अच्छे से आएगा। ये लीजिए, दो मिनट बाद हमारा ये गर्मा गर्म और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ले चलते हैं सर्व करने के लिए। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता खाने के लिए तैयार है। आपने देखा बनाना कितना आसान है। झटपट से आप ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। छोटी मोटी भूख या ब्रेकफास्ट में कभी भी आप बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों, आसान सी रेसिपी को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।